17 अगस्त भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि यह रेडक्लिफ रेखा है जिसने ब्रिटिश भारतीयों के दो अलग अलग और स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजन को चिन्हित किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा घोषित किया गया था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी भारत आया नहीं था, सिर्फ इसलिए रेखा खींचना था क्योंकि उसे लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश शासकों ने ऐसा करने के लिए कहा था। पेशे से वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के लिए ऐसा करना हमेशा आसान नहीं था क्योंकि वे भारत के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे। संयुक्त भारत की अवधारणा पर सबसे बड़ा हमला रेडक्लिफ रेखा के रूप में हुआ, जिसने 1947 में भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। इसका नाम इसके वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम रखा गया है, जिन पर सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 88 मिलियन लोगों के साथ 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने का आरोप लगाया गया था। यह रेखा भारत और पाकिस्तान को गुजरात के कच्छ के रण से जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अलग करती है। सर सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई को पहली बार भारत पहुंचे। उन्हें 15 अगस्त तक सीमांकन का काम पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अंतिम परिणाम 17 को ही प्रकाशित हुआ था। रेडक्लिफ रेखा ने ब्रिटिश भारत को 3 भागों में विभाजित किया था, पश्चिमी पाकिस्तान, भारत और पूर्वी पाकिस्तान। परिणाम स्वरूप एक नया देश अस्तित्व आया और इसे बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा खींची गई रेखा को अक्सर ब्लडी लाइन के रूप में नामित किया जाता है।